जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली SSC GD 2024 को लेकर है, जिसके एक नोटिस आपने देखा होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है कि इस बार आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट साथ होगा। इससे पहले क्या होता था आप सबको पता है, जैसे कि अभी 8 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, फिर इसमें से जो फिजिकल पास होते थे उसके बाद में कट ऑफ आती थी, उसमें लगभग 2.5 गुना बच्चों को पास करते थे, जितने पद उसके उन्हीं का मेडिकल होता था। लेकिन इस बार ये नोटिस आया, इसने इन्होंने अवगत करा दिया है कि इस बार लिखा हुआ जैसे इन वन गो ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएसटी पीईटी विल बी एलिजिबल फॉर द डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएमई यानी डिटेल्स मेडिकल टेस्ट, और आरएमई यानी रीमेडिकल भी। ठीक है लाडलो, अगर आप देखोगे तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल जो रीमेडिकल होगा वो तीनों चीज साथ होगी, यानी एक साथ जो भी बच्चे फिजिकल देने जाएंगे जिस सेंटर पे, जैसे फिजिकल के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए जैसे आर्मी में होता, अगले दिन आपका मेडिकल होगा, और अगर आपको मेडिकल में कोई पॉइंट मिला है तो अगले दिन या उसी दिन आपका रीमेडिकल होगा, यानी तीनों काम एक साथ, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है SSC GD में। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहले फिजिकल होते थे फिर उसके बाद में कट ऑफ आती थी और फिर उसके बाद में जो बच्चे क्वालिफाई होते उनका मेडिकल, लेकिन इस बार SSC GD 8 गुना बच्चों में से जो भी क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल टेस्ट में उन सभी का मेडिकल होगा। तो यहां पर चिंता का विषय भी है और अच्छा विषय भी। अच्छा ये कि स्पीड से काम होगा क्योंकि बढ़ती डिले चल रही थी, तो इसको स्पीड से कंप्लीट करने की कोशिश करेगी दिसंबर से पहले पहले, इसीलिए दिसंबर से पहले पहले इस भर्ती को कंप्लीट करने की पूरी पूरी तैयारी है, इसीलिए चाह रहे हैं कि तीनों चीज हम एक साथ कर दें। मुश्किल इसमें यह है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिकल मेडिकल में थोड़ी सी उनके मन में था, तो वो सोचे फिजिकल करने के बाद में मेडिकल कर लें या मेडिकल की कुछ पॉइंट है उनका इलाज करा लेंगे, अब उनके पास में समय कम बचा है तो कैसे होगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जिस भी सेंटर पर आपको इस बार बुलाया जाएगा तो वहां पर ऐसा होगा कि जैसे पहले आपकी 5 किलोमीटर की जो टाइमिंग है वो होगी, लड़कियों की 1600 मीटर की जो टाइमिंग है वो होगी, जो जो बच्चे क्वालिफाई होंगे हाइट में चेस्ट में और रनिंग में उन सबको अगले दिन का नोटिस मिलेगा कि हाँ आप कल इस समय इस जगह अवेलेबल हो जाना, और उसी समय उनका मेडिकल हो जाएगा, उनका मेडिकल होगा, जिनको रीमेडिकल कोई पॉइंट मिलेगा उनका उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह रीमेडिकल करके और घर भेज देंगे। ये प्रक्रिया रहने वाली है, जो जहां फेल हो जाएगा उसको वहीं निकाल देंगे, जैसे जो रनिंग में फेल हो जाएंगे या हाइट में फेल हो जाएंगे चेस्ट में फेल हो जाएंगे उनको तो कर देंगे बाहर, बाकी बच्चे जो पास होते जाएंगे उनका उसी समय मेडिकल होता जाएगा इस बार, और सीधी आएगी फाइनल लिस्ट। इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगना है। अब ये कब से होंगे इसकी अभी एक नोटिस तो नहीं आया, लेकिन इससे पहले एक जो नोटिस आया था जिसमें इस नोटिस का जिक्र था, उस नोटिस के अनुसार आपका 24 सितंबर से फिजिकल शुरू हो सकते हैं, ये क्लियर नहीं है लेकिन हो सकते हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस है, और उसी साथ आपके मेडिकल हो सकते हैं। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए दोनों चीजों के लिए। ठीक है लाडो, अगर आपकी कोई छोटी मोटी परेशानी है तो आप देख सकते हैं, पहले मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि हमेशा आप पहले से तैयार हो, बैठे मत रहो लाडो, ये प्रक्रिया इस बार रहने वाली है भाई। ठीक है, जय हिंद जय भारत।